यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। साल 2021 के आखिरी तीन महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत ने विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम हासिल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों के तहत GDP से जुड़ी ये कैलकुलेशन US डॉलर्स पर आधारित है। GDP के मामले में भारत ने साल 2022 की पहली तिमाही में ही अपनी बढ़त बनाए रखी, यानी इस दौरान भी उसकी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से आगे बनी रही। ब्रिटेन को लगा 300 साल का सबसे बड़ा झटका। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने एक और कीर्तिमान अपने नाम पर कर लिया है, जहां पर भारत ने UK को पीछे छोड़कर 5th largest इकोनॉमी बन गई है, जहां पर भारत ने इसके लिए बहुत ही कम समय लिया बाकी मुल्कों से, जहां पर ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा और कहने लगा कि आज देखो भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान है कि एक एक रुपए के लिए हर एक देश के सामने जाकर भीख मांग रहा है और कोई देश उनको भीख भी नहीं डाल रहा है। जहाँ पर अब पाकिस्तान की तुलना अफगानिस्तान के साथ हो रही है, अफगानिस्तान की GDP अब पाकिस्तान से बेहतर होने के कगार पर शुरू हो गई है, जहाँ पर अफगानिस्तान का रुपये अभी पाकिस्तान से मजबूत है डॉलर के मुकाबले, जहाँ पर पाकिस्तान का रुपया दिन ब दिन गिरते जा रहा है और लोगों को पाकिस्तान में रहने के लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा हो गई है। पाकिस्तान में लोग अब इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता। जहाँ पर जो भी फैक्ट्रीज पाकिस्तान में लग रही है वो जल्दी से जल्दी बंद होने के कगार पे है और लोग अपना कारोबार छोड़कर पाकिस्तान से भाग रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान आने वाले कल में पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपके जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इंडिया ने ब्रिटानिया को क्रॉस कर दिया है और इंडिया इस वक्त पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। तार साहब, हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी, ये क्या हुआ कि इंडिया आज ब्रिटानिया को क्रॉस कर गया जिससे आजादी ली थी, और हमारे सारे फेडरल मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो एड रिसीव कर रहे हैं, तो ये फर्क कैसे हुआ और हम क्यों इतने पीछे रह गए कि आज बर्तानिया जो है वो इंडिया से पीछे रह गया? सीमा साहब, इस पे मैं ब्लेम करूंगा लीडरशिप पर। देखिए, कौमों के लीडर हमेशा अगर उनको सही डायरेक्शंस में लीड करें तो उसके रिजल्ट इस तरह के आते हैं जिस तरह की आप बात कर रही हैं। बल्कि इसको भी मैं कहूंगा कि मैंने रिसेंटली मोदी साहब ने अपने लोगों से जब स्पीच दे रहे थे, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 2047 तक हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मेरी मदद करें। देखिए, दो चीजें होती हैं, जब ये जुनून होता है कौमों के अंदर, कौमियत जब आ जाती है, जाग जाती है, तो फिर वो हर हर्डल को क्रॉस कर जाते हैं। इंग्लैंड में इस वक्त जो है वहां भी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बोरिस येल्सन का जो क्राइसिस है वो है, और दूसरा महंगाई, इन्फ्लेशन और कोविड के साइड इफेक्ट्स, और ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करते हैं तो उसमें स्लो डाउन आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि इस वक्त मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी साहब की मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी और उन्होंने भारत के बसने वालों को स्टेरॉइड्स पे कर दिया, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि वो अपनी हर हर्डल को क्रॉस कर रहे हैं और उसकी विल रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया के चैलेंजेस क्रॉस करें। वहां उनकी जो पिछले दिनों सदर का इलेक्शन हुआ, जिस खातून को उसमें प्रेफर किया गया उसको देखें आप, और उसके बाद उनका स्पेस के अंदर जाना भारत का इस वक्त, और दूसरी चीजें जब देखते हैं तो उसमें नजर आता है मोटिवेशन, दे आर चार्ज्ड। इस वक्त मोदी साहब ने ये जरूर किया है कि वहां लीडरशिप में आके उनको चार्ज कर दिया है, दे आर ऑन स्टेरॉइड्स एंड हाई वोल्ट बैटरी है उसपे, और नेशनलिज्म, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें वो दे आर स्पीडों पे है। अफसोस के साथ आप खैर कह रहे हैं, हमारा DNA तो सेम है, जो है वही प्रॉब्लम में आई भी है आज के दिन के, जहां आपकी फैक्ट्रीज जो है वो अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज, में एक इंडस्ट्री की बात नहीं करता, मैं ऑटो इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं स्टील की बात नहीं कर रहा, मैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ कि जो आज
प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन, बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो गई है, तो इस वजह से और ये जाहिर है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आ गया फ्लड की वजह से, आधा मुल्क तो आपका बंद पड़ा हुआ है, तो नेचुरली जो आपकी इंडस्ट्री है अगर वही बंद होने जा रही है बहुत सारे सेक्टर्स में, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट पहले ये इम्पोर्ट्स को सप्रेस करने से जो उसकी वजह से जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट आ रहा था वो इम्पैक्ट तो डबल हो जाएगा फ्लड्स की वजह से. सो यू नो मतलब सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है अभी. आई वुडंट से कि द सिचुएशन हैज एक्चुअली वर्सेंड. आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इंपोर्ट्स शुरू करनी पड़ेंगी, जिस तरह के मैं जाहिर है कि खबरें जो आ रही हैं उसमें आईएमएफ की तरफ से ही ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान में अभी आने वाले दिनों में महंगाई मजीद ज्यादा होगी और इस वजह से जो सिविल अनरेस्ट है यानी प्रोटेस्ट भी देखने को मिले. ऑब्वियसली जब महंगाई अभी देख लेना आप, मैं अभी ये बता रही थी अपने पिछले प्रोग्राम में कि मेरा ही इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 71,000 आया. तो आम आप लोगों की सिचुएशन देख लें, इसमें आप समझते हैं कि ये भी एक बात कर रहे थे आप जब आपसे बात हुई कि इंडिया से इंपोर्ट जो है वो शुरू होने लगी, स्टार्ट होने लगी है इंडिया से इंपोर्ट. बाकी आलिया देखें अभी जो सिचुएशन है वो एक बड़ी आप कह लें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सिचुएशन है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है. सो अभी हमने कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जो कि हम हमें एक्सप्लोर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इंडिया से इंपोर्ट की बात हो और चाहे वो डेट रीस्केड्यूलिंग की बात हो जो हमारा एक्सटर्नल डेट है, या उसकी रीनेगोशिएशन की बात हो, या कोई हमें कोई एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करनी पड़ जाए टू ब्रिंग बैक डॉलर्स इनटू पाकिस्तान जो पाकिस्तानी सिटीजंस के बाहर पड़े में. आप उनकी बात करते हैं, वो तो 1947 से हमारे हमसे अलग हुए, चाइना हमसे बाद आजाद हुआ है, और उसके बाद अगर देखना चाहते हैं चाइना हमारे बाद आजाद हुए, आप देखें तो बांग्लादेश को देखें, वो तो 70s में हमसे हटा है, वो आगे जा रहा है. मुझे तो अब लग रहा है अफगानिस्तान भी आपसे आगे चला जाएगा क्योंकि जिस तरीके से उनके हालात हैं करेंसी आपकी उनसे बेहतर है. लेकिन ये कि हमारा जो ट्रेंड है वो ये है कि अभी जिस तरह आईएमएफ की किस पिछले दिनों आई है और जिस तरीके से सैलाब को एक अपॉर्चुनिटी समझा जा रहा है, हमारा माइंडसेट जो है वो लेकर भागना हमारा माइंडसेट है. हमने भी तरक्की बहुत की है लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की, दुबई में की है. हमने तरक्की बहुत की है और लंदन में की है. हमने तरक्की बहुत की है टोरंटो अमेरिका में की है, टोरंटो में की है. आप आके इनके अपने सियासतदानों के आपके रूलिंग लीड के घर देखें, ब्यूरोक्रेट्स के घर देखे आके यहाँ पे, तो एकड़ों पर है उनके. और जिस तरह सारा पैसा मैं कई दफा कह चुका हूं कि स्विस बैंकों में भारत आपसे साइज में बहुत बड़ा है लेकिन स्विस बैंकों में पाकिस्तानी, वहां आपने बहुत तरक्की की है, तो आप तरक्की में पीछे नहीं है लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं कर रहे, आप बाहर कर रहे हैं. और आप इंडिविजुअली ड्रिवन है, वो कहते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड है, मी माई सेल्फ एंड माइन, हम उससे आगे ग्रो नहीं कर पा रहे. ये जो अभी भी आपको आईएमएफ की किस्त आई है ये भी वहां से इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएगी, जो सैलाब के अब पैसे आ रहे हैं वो भी इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे. गरीब का बच्चा अपनी जंग खुद लड़ेगा, आप अपने पैसे लेकर लंदन दुबई भाग जाएंगे जो इस वक्त रूलिंग एलीट है. पाकिस्तान में पैसे लाना कभी भी मुश्किल नहीं रहा, उसको असल जगह पर लगाना मसला रहा है. पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो किस्म की करप्शन है, दो किस्म के गुनाह है, दो किस्म की अच्छाइयां हैं. एक पार्टी जो मर्जी करे उनका गुनाह गुनाह नहीं है, दूसरी पार्टी ना भी करे तो वो गुनाह है, क्योंकि आपके इस वक्त आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं, आप अपनी डायरेक्शन का तय कर चुके हैं जिसकी मुझे नजर आती है, दैट इज इन अफगानिस्तान.